नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों के साथ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स देते हैं। साथ ही आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ चार मेहमान हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, जिगर त्रिवेदी हैं रिलायंस सिक्योरिटीज से, दिव्या गगलानी है हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटी से, और केरिया कमोडिटी से अजय केरिया। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि आज किस तरह का एक्शन ब्रॉडर मार्केट में दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो 58,600 के आसपास सोना, जहां बाजार के को इंतजार अब कल महंगाई के जो यूएस में आंकड़े आने वाले हैं उस पर है। चांदी की बात करें तो 71,500 के आसपास चांदी कारोबार कर रही है, हल्की तेजी चांदी में दिख रही है। डॉलर इंडेक्स 101.5 के लेवल पर है, क्रूड $78 के ऊपर आ चुका है। सऊदी और रूस की कटौती से लगातार सपोर्ट मिल रहा है। चीन को में जो राहत पैकेज की उम्मीद बढ़ी है उसका भी सपोर्ट यहां पर दिख रहा है। नेचुरल गैस, कल यूरोपियन गैस में 10% की भारी गिरावट दिखी थी, इन्वेंट्री ज्यादा होने से वहां पर दबाव दिख रहा है। कॉपर 725 के ऊपर है, चीन में आगे राहत पैकेज की उम्मीद से सारे ही बेस मेटल्स तेज है, चाहे वो जिंक हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, लेड हो, सभी में आज 0.5% तक की तेजी दिख रही है। आयरन ओर में कल हमने तेज गिरावट देखी थी, चाइना में $108 तक फिसल गया था, 4% की गिरावट देखने को मिली थी। पाम तेल आज मलेशियाई पाम तेल 4,000 रिंगिट प्रति टन के करीब पहुंच चुका है, 1.5 से 2% तक की तेजी यहां पर दिख रही है। कॉटन आइस पर 80.5 सेंट के नीचे है, हफ्ते भर में 3.5% की नरमी यहां पर दिख रही है। आइस पर शुगर की अगर बात करें तो 23.5 सेंट के नीचे है, ब्राजील में बंपर उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। जीरे की बात करें तो रिकॉर्ड से हल्की यहां पर नरमी दिख रही है, 60,000 छूने के बाद वापस से जुलाई का वायदा 60,000 के नीचे आ गया है, हालांकि अगस्त का जीरे का वायदा अभी भी 60,000 के ऊपर बना हुआ है, और हल्दी में तो जबरदस्त तेजी है ही। चलिए लेकिन आज फिर से बात करते हैं सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर पे। किरे जी, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर को लेकर, किस तरह से अभी तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए? कल एक अहम आंकड़े हैं, उससे पहले क्या करें बुलियन ट्रेडर्स? वेरी गुड मॉर्निंग विश्वजीत जी, डेफिनेटली अगर हम सोने चांदी की बात करें तो ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में हमने उम्मीद की थी कि प्राइसेस में एक बाउंस के बाद गिरावट आएगी, तो जुलाई मंथ स्टार्ट होते ही हम कंटिन्यू गिरावट आते हुए, नो डाउट फेड ने जिस ढंग से कहा है कि आगे भी एक इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो अपसाइड थोड़ा सा कैप जरूर लग रहा है, बट मुझे लगता है कि टाइमिंग मार्केट सपोर्टेड है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में गिरावट की वजह से भी अच्छी तेजी बनी हुई है, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो कल के आंकड़े आने हैं वो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट करके चल रहे, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ा फॉल ऐसा लग नहीं रहा है, बायो ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। आज के सेशन की अगर बात करें तो 58,400 इज गुड टू बाय, करंट लेवल पे भी लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट ऊपर में 58,900 से लेकर मुझे लगता है कि 59,200 तक के लेवल अगले दो सेशन में मिल जाएंगे। चांदी में भी लगभग मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव, तो ओवरऑल सोने में मुझे लगता है कि इंटरनेशनल में 1930 to 1935 के जोन तक जा सकता है, और डोमेस्टिक मार्केट में 58,900 तक के लेवल हम देख पाएंगे। 58,900 एक बार कॉल स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा केडिया जी का, 58,900 का टारगेट है, 58,200 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर ट्रेड करना है। अब आप बताएं जिगर, क्या आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में आज, क्या आप भी खरीदारी की सलाह देंगे? विश्वमोहन सी, विश्वमोहन जो फ्राइडे को यूएस के नॉन फार्म पेरोल नंबर्स आए दैट डिसअपॉइंटेड द मार्केट, उसके बाद हमने देखा डॉलर इंडेक्स जो 103.5 के आसपास था आज 101.7 के आसपास है। कल के दिन में जो एक वीकनेस आई थी डॉलर में जो और आज भी कंटिन्यू है, उसका एक मेन रीजन ये है कल शाम को फेडरल रिजर्व न्यूयॉर्क बैंक से जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन वन ईयर डाउन द लाइन की जो रिपोर्ट आई है उसके तहत ये पता चला है जो वन ईयर डाउन द लाइन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है अगेंस्ट द प्रीवियस रीडिंग ऑफ 4.1 वो आया है 3.8 पे, मतलब कि इन्फ्लेशन कम होने की गुंजाइश है। ऑफ कोर्स मार्केट का फोकस जो है वो रियल इन्फ्लेशन नंबर्स जो कल शाम को आएंगे उस पे है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन ही लोअर साइड पे है तो ऑब्वियसली फेड शायद आगे जाके इंटरेस्ट रेट हाइक ना करे डॉलर को, इस वजह से हमने एक शार्प फॉल भी देखा है। इंट्राडे हो या पोजिशनल हो, मुझे लग रहा है ऑफकोर्स जुलाई में जो 25 बेसिस पॉइंट हाइक होगा वो मार्केट ने बहुत हद तक डिस्काउंट कर लिया है, सो इट्स अ गुड टाइम टू गो लॉन्ग इन गोल्ड एंड सिल्वर। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड, मुझे लग रहा है करंट लेवल पे ऑगस्ट कॉन्ट्रैक्ट बाय करके चले 58,600 का स्टॉप लॉस लेके चले, आज या कल में हमें 58,800 के टारगेट देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर को लेकर जिगर का व्यू है। चांदी पर आप केडिया जी, आपकी कॉल क्या है?
केडिया जी, आपसे मेरा सवाल था चांदी पर, आपकी राय क्या है? देखिए, जैसे हमने सोने में तेजी देखी थी, चांदी में मुझे लगता है कि बेस मेटल में जो रैली अब आ रही है ये कहीं ना कहीं चांदी को भी सपोर्ट करेगा। हमने देखा इन्वेंट्री की कंसर्न के चलते कॉपर में एक अच्छा जंप आया हुआ है, साथ में स्टिमुलस को लेकर भी जो चिंताएं है वो अब कम होते हुए दिखाई दे रही है। तो चांदी में हमने पहले एक अच्छा खासा गिरावट देखा, अब प्राइजेस बिल्कुल $23 के ऊपर मेंटेन है, जहां पे हमें लगता है 24-24-20 तक का लेवल दिखा सकता है। वही अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो पिछले दो सेशन में हमने देखा प्राइजेस 71 के ऊपर कंसिस्टेंटली तेजी बना के चल रही है। तो आज के सेशन के लिए भी मुझे लगता है चांदी में भी एक अच्छी तेजी रहेगी, जहां 71,000 तक हम बाय करके चल सकते हैं 70,300 के स्टॉप लॉस से, 72,200 तक के टारगेट हम चांदी में देख पाएंगे। ओवरऑल सोना चांदी दोनों में ही तेजी कायम रहेगी। ओके, गोल्ड और सिल्वर अभी तक के जो व्यू है, बाई कॉल आ रहे हैं जिगर के भी और केडिया जी के भी। दिव्या, आप बताइए गोल्ड और सिल्वर में आपकी कॉल क्या है, आप सपोर्ट कर रहे हैं दोनों एक्सपर्ट्स को? दिव्या गगलानी, आपसे मेरा सवाल था। मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ हाँ आ रही है आवाज सर, कहिए। तो गोल्ड की मैं बात करूं तो गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है। फेड का जो रेट हाइक का जो न्यूज है वो ऑलरेडी प्राइस इन है मार्केट में, पर हम देख रहे हैं कि गोल्ड में ज्यादा मंदी नहीं हो रही है। 1900 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसके नीचे प्राइसेस जा नहीं रहे, तो जब तक वो लेवल इंटैक्ट है तो तब तक ट्रेंड बाय ऑन डिप्स का ही रहना चाहिए। और दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स की मैं बात करूं तो उसमें भी एक अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है, अभी $102 के नीचे जा रहा है, तो वो भी प्राइसेस को सपोर्ट करेगा आगे जाके। और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है प्राइसेस मार्केट के अंदर, तो वो भी प्राइसेस को सपोर्ट कर सकता है। तो मेरा व्यू बाय ऑन डिप्स का रहेगा, 58,450 के अराउंड बाय करें गोल्ड, स्टॉप लॉस हम 58,300 का रखें और टारगेट ऊपर में 58,650 का मेंटेन करें। और सिल्वर की भी बात करूँ तो एक दायरे में कारोबार कर रहा है, 71,700 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, प्राइसेस उसके ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रहे हैं। अगर उसके ऊपर एक ब्रेकआउट आता है तो हम बाय करके चले, तो सिल्वर हम 71,700 का जो लेवल है उसके ऊपर बाय करें, स्टॉप लॉस हम छोटा सा रखें इंट्राडे के लिए 71,500 का और टारगेट ऊपर में 72,000 का मेंटेन करें। तो सिल्वर पे अभी तक दोनों ही तीनों एक्सपर्ट्स के बाय कॉल ही आ रहे हैं। भाविक, आपकी सलाह क्या होगी गोल्ड सिल्वर में? जी, मुझे भी लग रहा है कि बाय करना चाहिए, क्योंकि कल काफी फेड के मेंबर्स है, उन लोगों के भी स्टेटमेंट है। हालांकि उन्होंने लोग बोला कि शायद दो इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है, बट मार्केट, बॉन्ड मार्केट और करेंसी मार्केट इज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। और उनका यूजुअली पुट ऐसा है प्रोबेबिलिटी कि एक रेट हाइक हो सकती है और उसके बाद शायद पॉज हो सकता है, और डॉलर इंडेक्स भी 2 महीने के नीचे है, तो मुझे लग रहा है कि ये गोल्ड सिल्वर दोनों के लिए पॉजिटिव रहेगा, बट दैट वुड नॉट बी अ बिग रैली, क्योंकि आगे जाके एक रेट हाइक आ सकता है। बट इंट्राडे के पर्पस से हाँ, मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में बाय करना चाहिए। गोल्ड अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 58,600 के करीब आता है, तो लॉन्ग कर सकते हैं 58,750 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 58,500 का। और उसके साथ साथ अगर सिल्वर की बात करें तो मुझे भी सिल्वर में 71,700 के करीब एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो अगर नीचे आता है अराउंड 71,300 तो 71,700 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 70,800 का। ओके, तो ये व्यू चांदी को लेकर भाविक का है। अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर चीन का फैक्टर काम कर रहा है और साथ ही सऊदी और रूस की जो एडिशनल कटौती होगी अगस्त से उसका भी फायदा मिल रहा है। केडिया जी, क्रूड और नेचुरल गैस दोनों पर आपका व्यू? देखिए विष्णु जी, अगर हम सबसे पहले अगर कच्चे तेल की बात करें तो अगर आप मई से लेकर अभी तक का चार्ट देखिए ब्रेंट का, तो एक नैरो रेंज बन चुका था, प्राइसेस 77 या $76 के ऊपर नहीं जा पा रहा था, 71 के नीचे नहीं जा पा रहा था। अब कल के सेशन में हमने इसको एक ब्रेकआउट आते हुए देखा। पहले हम जो डिमांड को कंसर्न लेके चल रहे थे वो अब ऑफसेट होते हुए जा रहा है, क्योंकि हमने देखा जुलाई में सऊदी ने 1 मिलियन बैरल से प्रोडक्शन कट किया, अगस्त में भी हम देख रहे हैं कि सऊदी भी कट कर रहा है, अल्जीरिया भी कट कर रहा है, और अगर हम रशिया की बात करें तो 5 लाख बैरल से एक्सपोर्ट में कमी आएगी, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। तो एज ऑफ नाउ सप्लाई कंसर्न ज्यादा बन रहा है रादर देन हम जो डिमांड की बात करें, क्योंकि चाइना से स्टिमुलस आता है तो कहीं ना कहीं उसका भी बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आई एम वेरी मच बुलिश ऑन क्रूड ऑयल, जो
ब्रेंट में अगर हम देखें तो कॉमर्स बैंक या काफी बैंक्स का भी जो अपडेट है कि $90 से नो डाउट उन्होंने कम किया है, $85 का आउटलुक रखा है 2023 के लिए, बट आज भी अगर आप देखेंगे तो हम $78-$79 पे है, तो लगभग अगर 85 भी जाता है तो बहुत बड़ी तेजी है और वॉलिटी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से या 59-80 के ड्रॉप पे कच्चा तेल लेके चले 59-20 के स्टॉप लॉस से, तो इमीडिएट टारगेट तो 6100 का है, बट ओवरऑल अगर हम जुलाई मंथ की बात करें तो मुझे लगता है 6400 तक का लेवल आराम से कच्चा तेल दिखा सकता है। वहीं अगर नेचुरल गैस की अगर बात करें तो सीजन हम कहीं ना कहीं हरिकेन सीजन में एंटर कर रहे हैं, जिसका बेनिफिट कच्चे तेल को और नेचुरल गैस दोनों को मिलता हुआ दिखाई देगा। सेकंडली ब्रेकआउट की बात करें तो प्राइजेस ने कंसिस्टेंटली 210 के ऊपर हमारे इधर मेंटेन करके चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव 215 पे बाय कीजिए, 208 का स्टॉप लॉस, 225 का टारगेट, बट पोजिशनली भी अगर करंट लेवल से बाय किया जाता है 208 के स्टॉप लॉस से, तो मुझे लगता है मंथ एंड तक की बात करें तो करीबन 250 तक के लेवल हम नेचुरल गैस में देख पाएंगे। तो बिल्कुल कच्चा तेल और नेचुरल गैस दोनों ही इंट्राडे और पोजिशनली ये मंथ के टारगेट काफी बुलिश है, लेके काम करना चाहिए, लेकर ही काम करना चाहिए। क्रूड और एनजी दोनों बाई की सलाह है। क्रूड और एनजी में दिव्या गगलानी, आपके पास ऑप्शन में कोई ट्रेड है क्या, क्रूड में भी और एनजी में भी, बता दीजिए क्या कॉल है वो? रॉयल की मैं बात करूं तो हमें एक अच्छी रैली देखने मिली थी लास्ट वीक, प्राइसेस ऑलमोस्ट 4% ऊपर थे, प्रोडक्शन कट का जो न्यूज आया था उसने प्राइसेस को एक अच्छा सपोर्ट दिया। यस्टरडे चाइना के जो डेटा थे वो थोड़े से वीक आए थे, तो उसके वजह से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला, पर आज प्राइसेस थोड़े से स्टेबल है। मेन रीजन ये है कि चाइना ने जो मेजर लिया है प्रॉपर्टी मार्केट को बूस्ट करने के लिए, तो वो सपोर्ट कर रहा है और एक्सपेक्टेशन में भी बढ़ गया कि चाइना में जो है स्टिमुलस आ सकता है। तो क्रूड ऑयल भी हम बाय ऑन डिप्स करके चल सकते हैं। 6000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करे 130 के अराउंड, स्टॉप लॉस हम 100 का रखे और टारगेट ऊपर में 170 का मेंटेन कर सकते हैं। और नेचुरल गैस की बात करूँ तो नेचुरल गैस में हमें कल एक अच्छा रैली देखने मिला, 3% प्राइसेस ऊपर थे। फोरकास्ट है कि जो वेदर है वो हॉटर देन एवरेज रहेगा, तो उसके वजह से डिमांड बढ़ेगी वहां पे। नेचुरल गैस की मैं बात करूँ तो एक रेंज में कारोबार कर रहा है 205 से लेके 220 के आसपास, तो जब तक ये रेंज इंटैक्ट है तब तक मेरा व्यू जो बाय ऑन डिप्स का रहेगा। 220 का जो कॉल ऑप्शन है वो 8 के अराउंड बाय करें, स्टॉप लॉस हम 5 का रखें और टारगेट ऊपर में 12 का मेंटेन करें। तो नेचुरल गैस और क्रूड दोनों की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह, 6000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं क्रूड की, और एनजी का 220 के स्ट्राइक का कॉल आप खरीद सकते हैं, ये दिव्या की राय है। जिगर आप क्या सलाह देंगे क्रूड में और एनजी दोनों में? विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल गो विथ एन एग्जैक्ट सेम व्यू, तो क्रूड ऑयल जुलाई बाय अराउंड 6050, 6000 स्टॉप लॉस, 6150 इज टारगेट। एंड नेचुरल गैस की मैं बात करूं, नेचुरल गैस जुलाई बाय अराउंड 218, स्टॉप लॉस वुड बी 215, टारगेट वुड बी 224। तो यानी बिल्कुल सिमिलर कॉल है, कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं है। भाविक आप भी सहमत रहेंगे तीनों एक्सपर्ट से, तीनों यहां पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं क्रूड और एनजी में भी, आज कोई भी कॉन्ट्रा कॉल नहीं आ रहा है? जी जरूर सर, इनफैक्ट क्रूड में मुझे लग रहा है कि 6100 का जो कॉल ऑप्शन है 17 जुलाई का जो करीबन चल रहा है 95 के करीब, आई थिंक वो बाय कर सकते हैं, टारगेट रख सकते हैं 130 का और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 80 का, क्योंकि अगर हम देखें तो सप्लाई कंसर्न्स तो है बट डिमांड अगर देखें तो डिमांड अभी भी अच्छी है, समर सीजन की वजह से तो डिमांड में कोई डिप नहीं है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा करेक्शन आ सकता है। इनफैक्ट क्रूड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, और सेम वे नेचुरल गैस में भी देखें आई थिंक 213 का एक उसने बेस बना चुका है, तो जब तक 213 के नीचे वो क्लोज नहीं आता है तब तक मुझे लग रहा है कि ऊपर 225 से 227 तक के लेवल्स पे देखने को मिल सकते हैं। तो एक से दो दिन के लिए अगर थोड़ा भी डिप मिलता है 218-217 के करीब तो 211 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, ऊपर में टारगेट रख सकते हैं 227 का। चलिए मेटल की बात कर लेते हैं, भाविक आपको बेस मेटल में क्या पसंद आ रहा है आज? तेजी तो अच्छी दिख रही है सभी मेटल में, सभी मेटल में तेजी दिख रही है, कॉपर आई थिंक मुझे ज्यादा अच्छा लगा है। गोल्डमैन सैक्स का भी व्यू है कि जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ रहे हैं तो इस बार एटलीस्ट 1 मिलियन मेट्रिक टन की फोरकास्ट है डिमांड की, और नेक्स्ट ईयर 1.5 मिलियन मेट्रिक टन की, तो इसकी वजह से आई थिंक कॉपर ओवरऑल बहुत पॉजिटिव लग रहा है आज के दिन। तो कॉपर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अगर थोड़ा भी डिप मिलता है अराउंड 723.50 तो बाय कर सकते हैं 729 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 717 का। आप कहाँ दाव लगाएंगे बेस मेटल्स में आज, और किस साइड का वो दाव रहेगा?
अगर बेस मेटल की बात करें तो मुझे लगता है, जैसे पहले भी मैंने कहा था कि कॉपर और जिंक ये दो ऐसी कमोडिटी है जहां पे कभी भी बड़ी तेजी आ सकती है, और जब अब स्टिमुलस की जो बातें हो रही है ये दोनों ही काउंटर मुझे लगता है कि स्ट्रांग रहेगी। तो सबसे पहले अगर कॉपर की बात करें, इंटरडे के लिहाज से डेफिनेटली 721 इज गुड टू बाय, वहां पे बाय कीजिए 717 के स्टॉप लॉस है, इमीडिएट टारगेट 729 का है। बट मुझे लगता है कि एक बड़े फॉल के बाद हमने मई जून में कंसोलिडेट करने के बाद तेजी आई है, करंट लेवल से भी अगर पोजिशनली बाय करें तो 755 तक के लेवल हम अगस्त मीट तक देख पाएंगे। वहीं दूसरी कमोडिटी जिंक रहेगी, जिंक काफी बीटन डाउन है, 300 रुपए हमने मार्च में लगभग देखा था, वहां से हमने लगभग 205 का सपोर्ट देखा है, रिकवरी आ रही है। इंटरडे में 214 पे बाय कीजिए, 212 का स्टॉप लॉस, 218 का टारगेट, बट ओवरऑल इसमें भी मुझे लगता है कि 228-230 तक के लेवल हम मिड ऑफ अगस्त तक देख पाएंगे। तो पूरे बेस मेटल में कॉपर और जिंक काफी अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पे लेके चलना चाहिए। कॉपर और जिंक, भाभी को भी कॉपर पसंद था, केडिया जी को भी कॉपर पसंद है, 729 के टारगेट के साथ कॉपर खरीदे, 717 रुपए का स्टॉप लॉस भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, और जिंक 218 के टारगेट के साथ, 212 के स्टॉप लॉस के साथ। जिगर आप क्या खरीदेंगे आज बेस मेटल्स में? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जुलाई बाय लॉन्ग अराउंड 196, 195 स्टॉप लॉस, 198 टारगेट। बेस मेटल्स में सेंटीमेंट पॉजिटिव तो है, यस, डॉलर इंडेक्स में वीकनेस भी है, चाइना स्टिमुलस पैकेज की बात भी हो रही है, सो मोमेंटम थोड़ा बहुत अंडरटोन पॉजिटिव है इंट्राडे के लिए एटलीस्ट, तो आई थिंक आई विल गो लॉन्ग विद एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम भी जिगर को पसंद है, एल्युमिनियम यहाँ पे यानी कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम, तीन कॉल आपके लिए, बाई कॉल आ चुकी है। दिव्या आपकी कॉल क्या होगी बेस मेटल्स में आज? मेरा भी जो व्यू है सभी एक्सपर्ट के सिमिलर रहेगा, कॉपर हम बाय कर सकते हैं 723 के अराउंड, स्टॉप लॉस हम 720 का रखे और टारगेट 728 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिंक भी बाय कर सकते 214 के अराउंड, स्टॉप लॉस 213 का मेंटेन करें, टारगेट ऊपर में 216 का रखें। आगे पे एक क्विक चेक ले लेते हैं, जिगर आप क्या सलाह देंगे यहाँ पर? 82.35 कमजोरी दिख रही है, क्या लग रहा है यहाँ पर? सो विश्वमोहन, दो या तीन दिन पहले मैं देखा था 82-80 तक के लेवल्स थे स्पॉट में, एंड देन वन सेकेंड वी सॉ सेलिंग प्रेशर इन डॉलर इंडेक्स। फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल नंबर्स भी आए, कल का जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का नंबर भी आया, उसके बाद डॉलर इंडेक्स जो 103.5 के आसपास था वो 101.7 के आसपास है। उसी वजह से हमने देखा है डोमेस्टिक मार्केट में USD INR, सी USD INR ब्रॉडर पिक्चर की मैं बात करूं, पिछले छह महीने से वो 82-90 के ऊपर जा नहीं रहा है, वहां से प्रेशर आ रहा है, एंड 81-70 के आसपास से बाइंग जोन मिल रहा है मार्केट को। सो आई थिंक मुझे लग रहा है जिस तरीके का मार्केट का डेवलपमेंट हुआ है आजकल, एंड जो प्राइसेस में फॉल आया है, रूपी में स्ट्रेंथ लौट के आई है, मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत और ये स्ट्रेंथ यहाँ पे बन सकती है, बरकरार रह सकती है। USD INR जुलाई, वन कैन गो शॉर्ट अराउंड 82.50, 82-65 स्टॉप लॉस लेके चले 82-20 के टारगेट के लिए। एक बात ध्यान रखे चले, कल के सेशन में यूएस के और इंडिया के दोनों के CPI नंबर्स आएंगे, सो मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू बी वोलेटाइल, बट रूपी में स्ट्रेंथन फ्रॉम हियर। सीधे एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं, जहां पर हल्दी में जबरदस्त रफ्तार दिख रही है, जीरा 60,000 के ऊपर जाने के बाद अब यहां पर मुनाफा वसूली हावी हो गई है, 2% तक गिरावट आई है। केडिया जी क्या व्यू है मसालों को लेकर, हल्दी, जीरा और धनिया, तीनों पर अपना व्यू बताइएगा, छोटा रखिएगा जवाब सर। सबसे पहले अगर जीरे की बात करें, फंडामेंटल काफी टाइट है, आगे भी तेजी रहेगी, बट हमने जैसे रिसेंटली बताया भी था कि अगस्त तक तेजी, उसके बाद हम स्विंग के फिगर के हिसाब से गिरावट देगी, तो ये जो गिरावट है ये टेम्पररी गिरावट है। मुझे लगता है जीरे के अंदर लगभग 58,000 तक का लेवल मिलता है, वहां से वापस बाइंग लौटती हुई दिखेगी, फ्री फॉल जैसी सिचुएशन अभी नहीं है, टाइम लगेगा। वहीं अगर हल्दी की बात करें तो स्विंग के आंकड़े जिस दिन से दिखाई दे रहे हैं ये प्राइसेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है, टेक्निकली ओवरबॉट जरूर है, बट 10-300 पे बाय कीजिए, 10,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 10-900 तक के लेवल हम मिल जाएंगे। लास्ट अगर धनिया की अगर बात करें तो जिस ढंग से हमने जीरे में रैली देखी है, हल्दी में देखी है, तो धनिया के अंदर भी स्टॉकिस की बाइंग लौटते हुए दिखाई दी, सप्लाई अच्छी है तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग दिखेगा, बट 6-800 पे लिया जा सकता है, 6600 का स्टॉप लॉस रहेगा। दो दिन का व्यू लेके चलिए, 7100 तक के लेवल हम धनिया में देख पाएंगे। और ग्वार सीड और ग्वारगम अच्छी तेजी है, छोटा जवाब दीजिएगा केडिया जी, ग्वार सीड में क्या राय है? स्विंग कम हो सकती है अदर क्रॉप्स में जाने की वजह से, दोनों ही काउंटर साइडवे टू पॉजिटिव रहेंगे, 5520 पे गवार सीड लीजिए, 5430 के स्टॉप लॉस से 5650 का इमीडिएट टारगेट। वहीं गवार गम की भी अगर बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है, करंट लेवल से लेके चलिए 11250 के टारगेट के लिए। शुक्रिया केडिया जी आपका, भाविक आपका, जिगर आपका और दिव्या आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। लेकिन चलिए अब वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश का।